हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण के व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सेसा हेयर ऑयल के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ और इसकी कुछ रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये आपके हेयर ग्रोथ में कितना आपकी हेल्प करेगा, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में आएगा बेल आइकन उस पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल लेट ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी के टाइम में हर कोई अपने बालों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। अगर किसी के बाल फ्रीजी हैं या फिर किसी के बालों में ग्रोथ नहीं है या फिर शाइनिंग नहीं है, इसकी वजह से हम लोग तरह तरह की सर्च करते रहते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे, गूगल पे, मैं भी ऐसा करती हूँ। बट होता क्या है ना कि अगर हम किसी कन्फ्यूजन में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि वो चीज़ हमें फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी। वैसे ही मैं आज आप लोगों के साथ सेसा हेयर ऑयल के बारे में बातें करने वाली हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत सुना होगा कि सेसा हेयर ऑयल से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, एवरीथिंग। मैंने भी बहुत सर्च किया था और सर्च करने के बाद ही मैंने ये सेसा का हेयर ऑयल परचेज किया था। तो सबसे पहले तो मैं इस सेसा हेयर ऑयल के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूं और इसकी जानकारी दे दूं। तो ये सेसा हेयर ऑयल की जो MRP है वो है 125 और इसकी क्वांटिटी है 100 ml। बट ये बहुत छोटा है, अभी आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आप लोगों को बता दूं। और इस पर जैसे कि लिखा हुआ है कि ये पूरी तरह से हर्बल है, कोई भी तरह की आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, तो यही लिखा हुआ है। क्योंकि जैसा कि हम सभी कोई भी चीज़ इस तरह से रीड करके ही यूज करते हैं, तो बस उसी तरह मैंने भी इसे रीड किया और उसके बाद इसे अपने बालों पे लगाना शुरू किया। बट फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से इसकी रिव्यू शेयर करूँ तो मैं तो इसकी रिव्यू दूंगी 3.5, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तेल से कोई भी हेयर में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि अगर जिसके हेयर ग्रोथ वाले हैं वो तो ग्रोथ होंगे ही, बट ये बिल्कुल आपकी झूठी सोच है और झूठी कल्पना है कि अगर आप इस तेल को यूज करते हैं तो आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके हेयर अच्छे हैं और आप अपने हेयर की थोड़ी केयर अच्छी तरह से कर रही हैं, जैसे कि अगर आप अपने हेयर को वॉश करने वाली हैं तो ठीक, उसके एक दिन पहले नाइट में आप अपने कोई भी तेल को, जो भी तेल आप प्रेफर करती हो, ऐसा नहीं है कि यही तेल है। क्योंकि होता क्या है ना कि हम ना अलग अलग तरह के ऐड देखकर या फिर कहीं सुनी बातों को सुनकर भी हम कोई भी चीज़ परचेज कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट लाना होगा। और अगर आप कोई भी हेयर ऑयल यूज कर रही हैं, जैसे कि आलमंड हो गया या फिर कोकोनट या फिर आंवला कुछ भी, तो आपको सबसे पहले अपने हेयर वॉश करने के एक दिन पहले फुल नाइट के लिए तेल को अपने पूरे स्कैल्प पे यूज करना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हेयर वॉश करना होगा। इससे करने से क्या होता है कि फुल नाइट जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम है उसे वो तेल रिपेयर करता है और जो भी प्रॉब्लम होती है उसे दूर करता है। और अगर आपके हेयर में अगर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अगर आप कुछ नेचुरल चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही यूज करती हूँ, मैं केमिकल चीज़ों पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, चाहे वो फेस हो या फिर हेयर हो, क्योंकि मैंने बहुत धोखे खाए हैं इसलिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो। तो मैं क्या करती हूँ कि
अगर आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो मैं वैसा ही करती हूँ। यही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि हल्के लुक वार्म वाटर में आप कोई भी टावल को डिप कर लीजिए और उसके पूरे पानी को निचोड़ कर और अपने पूरे सर पे आप अच्छी तरह से बैंड कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे हेयर हैं उन्हें स्टीम मिल जाती है और जो उसके स्कैल्प हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे बाल हैं वो और भी ज़्यादा थिक और शाइनिंग हो जाते हैं और उनकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो भी कहीं ना कहीं दूर हो ही जाती है। बट इसे हमें रेगुलर करना होगा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी सेसा हेयर ऑयल की रिव्यू। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और आप लोगों को सेसा हेयर ऑयल के बारे में पता भी चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।